हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे। मैं आपके दोस्त मोनिका आज आपके सामने फिर से एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, ये मेरे दो पीस हैं और ये मेरे तीन पीस हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स कि ये पीस मेरे ढाई ढाई इंच के हैं, ढाई इंच का ये है, ढाई इंच का ये है। क्या करेंगे अब, ये दो पीस आपस में मैं यहाँ रखेंगे और फिर बीच में स्केल की मदद से एक लाइन लगाएंगे। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको डबल शेड का पीस बताती हूँ बनाना, तो ये देखिए इस तरीके से। तो ऐसे ही हम इस पे भी कर लेंगे। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम इस लाइन पे सिलेंगे, बीच की लाइन छोड़ के साइड साइड लाइन पे सिलेंगे। और सिलने के बाद हम इसको कट करेंगे। कट करने के बाद फ्रेंड्स, ये हमारे दो पीस हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो ऐसे ही मैंने ये ले लिया फ्रेंड्स, ये देखिए। तो ये हमारे एक पीस एक्स्ट्रा था, वो हमने हमें सिर्फ इन तीन पीसों की ज़रूरत है, तो हमने ये तीन पीस ले लिए। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम इसको इस तरीके से लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये इस तरीके से। और ये जो पीस है, बाद में कट करने के बाद ये हमारे पीस दो दो इंच के हो गए हैं, और ये भी हमने दो इंच का काट लिया है। तो ये इस तरीके से डिजाइन बनेगा फ्रेंड्स। तो हमें ऐसे ही कलरफुल कपड़े लेने हैं, जिससे कि हम इसको डिजाइन पूरा सेट कर सके। तो हर डिजाइन के लिए ये चार पीस चाहिएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, ये चार पीस मेरे हो गए हैं। अब हम एक एक डिजाइन बनाते चलेंगे। ये जैसे मेरा एक पीस तैयार हो गया, तो एक पीस मेरा ये तैयार हो गया है। फिर क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम दो पीस लेंगे। तो जैसे एक पीस ये तैयार हो गया, दो पीस हमने सेम ऐसे ही ले लिए, अलग कलर के, क्योंकि अलग कलर के ही में ही ये डिजाइन जो भी है वो बहुत अच्छा आएगा फ्रेंड्स, जिससे कि डिजाइन की लुक बहुत अच्छी लगेगी। तो ये देखिए, ये इस तरीके से। तो एक पीस हमारा ये हो गया और एक पीस ये हो गया, तो दो हो गए। उसके बाद हम तीन लेंगे, ये हमारे तीन कलर, ये तीसरा कलर हो गया, इससे हमारे तीन पीस बनेंगे। फिर क्या करेंगे फ्रेंड, फिर हम चार लेंगे, तो ये हमारे चार पीस बनेंगे। फिर उसके बाद हम घटाएंगे, फिर हम फिर दोबारा तीन लेंगे, तो ये तीन हो गए हमारे, और ये दो हो गए और ये एक हो गया। तो हम बारी बारी करके इन पीस को सिल लेते हैं फ्रेंड्स, फिर आपको डिजाइन बनाना दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डिजाइन हमारा इस तरीके से सिलेगा। तो ये मैंने सिल लिया है। पहले हमने दो पीस सिले, बाद में हमने इन दोनों को रख के सिला, यहाँ से सिलाई से सिलाई को जोड़ा, और ये देखिए, ये ऐसा पीस तैयार हो गया। तो ऐसा ही हम ये बाकी भी तैयार कर लेते हैं फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने सारे पीस सिल लिए हैं। अब क्या करेंगे हम, अब हम इसका डिज़ाइन सेट करेंगे। तो मैं आपको इसका डिज़ाइन सेट करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना डिज़ाइन सेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको बारी बारी स्टेप बाय स्टेप सिलेंगे। तो हम पहले एक लाइन सिलेंगे, जैसे कि हमने ये पीस ले लिया, पहले हम इस पर रख के ऐसे सिल दिया। याद रखना फ्रेंड्स, जॉइंट से जॉइंट मिले होने चाहिए, और ऐसे सिल देंगे। ऐसे ही हम बारी बारी फिर इसको रखेंगे, फिर यहाँ से सिलेंगे जॉइंट मिला के, और फिर इसको भी ऐसे ही सिलेंगे यहाँ से जॉइंट मिला के। तो हम ऐसे पहले इस लाइन को सिल लेते हैं, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। तो मैं ये आपको सिल के दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये वाला पीस तैयार हो गया है, और बिल्कुल जॉइंट से जॉइंट मिले हुए हैं बिल्कुल। तो देखिए, अब हम ऐसे ही इन पीसों को भी सिल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने ये चारों पीस सिल लिए हैं। अब क्या करेंगे हम, अब इनको बारी बारी सिलेंगे। अब तो हम ऐसे करेंगे, पहले इस पीस को ऐसे रखेंगे, और जितने भी हमारे ये जॉइंट है उन सब पर हम एक एक पिन लगा लेंगे। तो मैं पहले पिन लगा लेती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी ये सारी पिन लगा ली है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको ऐसे करके यहाँ से सिल देंगे। हमारी पिन लगने से फ्रेंड्स, जो भी हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा भी कपड़ा हो जाए तो वो एडजस्ट हो जाता है। तो पिन लगाने से फ्रेंड्स, जोड़ से जोड़ मिल जाते हैं। तो हम यहाँ सिलाई लगा देंगे, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जुड़ गया है, और बिल्कुल फिनिशिंग से जुड़ा है। अब हम क्या करेंगे, हम अब इसको भी हम ऐसे रखेंगे,
सारी जोड़ों पे पिन लगा लेंगे और फिर ऐसे सिल देंगे। और फिर इसको भी हम फ्रेंड ऐसे करेंगे, सारे जोड़ों पे पिन लगा लेंगे और सिल देंगे ऐसे करके। तो मैं ये आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये पीस तैयार हो गया है। ये देखिए, आप इसको जितने भी कलर चाहें उतने कलर यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। और ये डिज़ाइन फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर और यूजफुल है। आप इसी डिज़ाइन का जितना भी आप चाहे उतना बड़ा बना सकते हैं इसको। इसका जो नाप जो मैंने ये बताया है, इससे थोड़ा डबल कर लीजिए और इससे आप चादर बनाइए और ये टीवी कवर बनाइए, फ्रिज कवर बनाइए, या कोई आप मेज कवर बना रहे हो। ये देखिए, ये जितना बड़ा है ये, जो कुशन कवर के लिए पूरा आगे का फ्रंट पूरा तैयार है। तो आपको आइडिया मैंने बता दिया फ्रेंड, आप कुछ भी बनाइए और कपड़ा चाहे कैसा भी हो, कला आपके हाथों में है, ये बात कभी मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए, आप भी ऐसे सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाइए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए बाय।